एक चोट ने बदल दिया भारतीय टीम का पूरा समीकरण। प्लेइंग 11 में समी का आना इंडिया के लिए बना टर्निंग पॉइंट। जब न्यूजीलैंड खेल रही थी शतकीय पारी, तभी रोहित ने समी को किया याद। समी ने आते ही डेवॉन कॉनवे को बनाया अपना शिकार। क्या हार्दिक का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बना वरदान? आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप फाइनल में मोहम्मद समी कर पाएंगे कमाल? सेमीफाइनल में मोहम्मद समी का चला ऐसा जलवा, न्यूजीलैंड की टीम का बना कर रख दिया हलवा। 5 ओवर तक भारतीय तेज गेंदबाज विकेट रहे तलाशते, मगर समी ने आते ही बदल दिया हवा का रुख। पहली बॉल पर ही डेवॉन कॉनवे को बनाया शिकार। 8वें ओवर में रचिन रविंद्र को आउट कर कीवियों पर बनाया दबाव। इधर विलियमसन डेरिल मिचेल के साथ मिलकर कर रहे थे शतकीय साझेदारी, तभी समी ने फेंका ऐसा बॉल, 33वें ओवर में कप्तान को भेजा पवेलियन। जी हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल के हीरो रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद समी की, जिन्होंने पूरे 7 विकेट लेकर कीवियों को ऐसा समेटा कि पूरा का पूरा स्टेडियम ही नतमस्तक हो गया। अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2013 के फाइनल मुकाबले में खेलने के लिए तैयार है, जो 19 नवंबर को विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया था, जिसके हीरो तो तेज गेंदबाज मोहम्मद समी जरूर रहे, मगर एक समय ऐसा भी था जब समी का वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था। समी को शुरुआती 4 मैचों में जगह नहीं मिली, तब हार्दिक पांड्या चोटिल हुए तो मोहम्मद समी के लिए रास्ता साफ हो गया और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद समी का प्लेइंग 11 में आना टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट था, और क्या एक चोट ने भारतीय टीम का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया? टीम इंडिया अब तक 10 मैच खेल चुकी है और सभी में जीत मिली है, जबकि मोहम्मद समी अब तक 6 मैच ही खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने पूरे 23 विकेट झटके हैं। इसके साथ समी अब तक के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर भी हैं। इससे पहले 15 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के मैच के दौरान जब समी अपने रनअप को पूरा करते हैं, तो विराट कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों से उनका हौसला बढ़ाने का इशारा किया था, तभी पूरा स्टेडियम समी समी गूंजने लगता है। समी इस बार के टूर्नामेंट में गेंदबाजी में भारत के सुपरस्टार हैं। ऐसा सिर्फ बुधवार रात न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण नहीं है, बल्कि अब वह जसप्रीत बुमराह से भी आगे गेंदबाजी के अकेले अगुआ दिख रहे हैं, जिसके लिए उनका गेंदबाजी प्रदर्शन भी समर्थन करता है। शमी ने इस वर्ल्ड कप में 3 बार 5 या इससे अधिक विकेट चटका चुके हैं और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 10.9 का है, जो हैरान करने वाला है। इन्हीं 2 चीजों में शमी इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ है, मगर ऐसे में सवाल है कि अब फाइनल में मोहम्मद समी अपना कमाल दिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताएं। मार्बल ऑल टाइल्स को करे बाय बाय, दीवारों के लिए आ गया इश्का पीवीसी मार्बल सीट। गोड्डा में खुला पहली बार कृष्णा इंटीरियर एंड डेकोर, एक ऐसा पीवीसी मार्बल सीट दुकान जिसे डायरेक्ट दीवारों पर चिपकाओ और घर को सुंदर बनाओ। 100% वाटरप्रूफ एंड फायरप्रूफ, 10 साल गारंटी के साथ। साथ ही वॉल पैनलिंग, फॉल सेलिंग, दीवारों पर वॉलपेपर डिजाइनिंग भी उपलब्ध है। अब घर दिखेगा स्वर्ग जैसा। हमारा पता, गोढ़ी पोखर, गांधीनगर, गोड्डा। मोबाइल नंबर 7004171896।